सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन के विच। मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हां खास खबरों की। केंद्र वालों बनाए नवे खेती कानूनों का मामला होर गरमाया। किसान यूनियन ने दिता वड्डा बयान, कहा साडा संघर्ष रहेगा जारी, हुण गलबात लई दिल्ली नहीं जावांगे। पंजाब के सबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने की अहम पेशरफ्त। मजीठिया ने एक प्राइवेट मैंबर बिल पेश करके सारे सूबे एक मंडी ऐलानन की की मांग। केंद्र सरकार के अनलॉक 5 तहत पंजाब में स्कूल खोलन लैके लिया गया फैसला। स्कूल सिक्ख्या महकमे वालों 19 अक्तूबर तो 9वीं ते 12वीं के विद्यार्थियों लिए स्कूल खोलन का फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र वालों बनाए नवे खेती कानूनों का मामला होर गरमाउंदा जा रहा है। चंडीगढ़ में बैठक तो बाद किसान यूनियन ने अज वड्डा ऐलान कर दिता है। उन्होंने फैसला किया है कि हुण गलबात लई दिल्ली नहीं जाणगे। किसानां दीआं तकरीबन 29 जथेबंदियां की मीटिंग हुई, जिस दौरान किसान यूनियन ने फैसला लिया कि किसान अंदोलन होर तेज किया जाएगा। दस दिए कि बीते दिन दिल्ली विच केंद्र दे नाल किसानां दी मीटिंग बेसिटा रही सी अते किसान केंद्र दे वतीरे तो भी ना खुश ने। किसानां ने इस मीटिंग दौरान वड्डे ऐलान किए। किसान जथेबंदियां ने कहा है कि बीजेपी दे केंद्रीय मंत्री जिथे भी खेती कानूनां नूं लैके वर्चुअल रैली करनगे तां उन्हां दा जोरदार विरोध किया जाएगा। इस दे नाल ही भाजपा नेतावां दे घर दे बाहर अणमिथे समय लई धरने लाए जाणगे। पंजाब विच आउण वाले बीजेपी दे हर वड्डे नेता दा प्रोग्राम दौरान भी विरोध किया जाएगा। किसान यूनियन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला के किसान वफद का अपमान किया है। किसानों ने ऐलान किया कि 17 अक्तूबर नूं पूरे पंजाब विच मार्च कढ़े जाणगे अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी फूके जाणगे। किसानों ने अगली मीटिंग 20 अक्तूबर नूं करन दा फैसला किया है, जिस विच अगले फैसले लए जाणगे। अपने रिलायंस के पंप जाम किए हुए, मॉल जाम किए हुए, इस तो बिना जो टोल प्लाजे आ वह साढ़े जाम किए आ, वह ज्यों के त्यों जारी रहेंगे। इस तो बिना कोल भारतीय जनता पार्टी के जोड़े लीडर आ सेंटर तो आके पंजाब दे विच प्रचार कर रहे हैं, जेडे कर रहे हैं भी ये बिल ठीक है, उन्होंने खिलाफ वड्डी मूवमेंट उठाई जाऊगी पंजाब अंदर। उन्होंने घर के कराओ, उन्होंने जिते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उ कराओ किए जाएंगे, वो लगातार जारी है। जिते जिते भी आएंगे वह उन्हों का असं विरोध करा, उन्होंने असं लिस्टा लवेंगे, वो किड़े शहर जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने प्रोग्राम कर रहे हैं, उधर नूं असीं मार्च करांगे। 20 नूं मीटिंग है, अगला फैसला असीं 20 दी मीटिंग च लवांगे। खेती कानूनों के खिलाफ यूथ अकाली दल वालों दिल्ली में रोस मुजाहरा किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने यूथ अकाली दल के आगुआ और वर्करों हिरासत में ला लिया। इस दौरान यूथ अकाली दल के प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाणा ने कहा है कि नरमा और मक्की लैके दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा है कि MSP से खरीद ना होने करके किसान परेशान ने, दिल्ली में मुजाहरा कर रहे यूथ अकाली दल के आगू और वर्कर हिरासत में लै ले गए। उन्होंने केंद्र सरकार तो काले कानून वापस लैण की मांग की है। उन्होंने नरमे और मक्की की फसल सड़क ते खिलार के रोस जताया। सरकार ने MSP अनाउंस की है कई फसलों पे। सरकार कहती है हम नए कानून लेके आए हैं, वो बहुत बढ़िया है किसान के लिए। सरकार कहती है ये किसान की जिंदगी का काया कल्प कर देंगे। हमारे पंजाब की राइस और वीट के बाद जो बड़ी दो फसलें हैं कॉटन और मेज, नरमा और मक्की हम आज लेके आए हैं, जिनका मेरे पास सरकारी रिकॉर्ड है जो ये बता रहा है कि फसलों की MSP अनाउंस कर दी 5500 से 5800 तक की, पर 4500 में किसान को मंडी सिस्टम के बाहर किसान को अब MSP भी नहीं मिल रही। तो ये क्या कानून बनाया है इन्होंने? मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि मक्की की एक भी मक्की का दाना MSP पे नहीं खरीदा गया है। 1850 रुपए मक्की का रेट उन्होंने फिक्स कर दिया, जो नहीं खरीद रहे। कॉटन की आज तक 2.5 लाख क्विंटल कॉटन
केवल पंजाब की मंडियों में आ गई है, पर केवल 40,000 सीसीआई ने खरीदी है। 2,00,000 के ज्यादा प्राइवेट लोग एमएसपी के नीचे मंडी सिस्टम के बाहर, जिससे किसान को भी पैसा कम मिल रहा है, स्टेट भी अपनी रेवेन्यू लूज कर रही है। सो ये एमएसपी अनाउंस करने का फायदा क्या? श्रोमणी अकाली दल ने एक प्राइवेट मैंबर बिल पेश करके मांग की थी कि सारे सूबे नूं एक मंडी ऐलाना जावे तां जो पंजाब दे किसानां दे हितां दी राखी की जा सके। इस बिल दी पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स मार्केट्स 2020 नूं श्रोमणी अकाली दल दे विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने पेश किया, जो स्पीकर राणा के पी सिंह नूं भी मिले। इस मौके मजीठिया ने कहा है कि खेती कानूनों के खिलाफ उन्हां दे वल्लों लियांदा बिल कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा के पी सिंह नूं 15 दिनों की शर्त खत्म करके ये बिल पेश करन दी आग्या देण दी बेनती की। कहा कि शर्त विधानसभा के नियमों अनुसार खत्म की जा सकती है, क्योंकि सैशन भी कल सिर्फ 4 दिन के नोटिस से सद्या गया है। आज जी पंजाब विधानसभा च मैं जो पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स अमेंडमेंट बिल 2020 ये मैं मूव किया, उदे च जिहड़ी वड्डी मंग यही रखी है कि सारे पंजाब नूं एक मंडी ऐलाना जावे, एको मार्केट ऐलाना जावे। नाल ही ये प्रपोजल है कि जिहड़ा सैक्शन 7 ऑफ द एक्ट है उदे च सैक्शन 7 च सब सैक्शन 1 इनसर्ट करके इंटायर स्टेट शुड बी अनाउंस्ड अ प्रिंसिपल मार्केट यार्ड, कि कोई प्राइवेट अदारे वास्ते या प्राइवेट यार्ड वास्ते कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैं ये चाहे सानू दिन तो 15 चाहिए है, मैनू पता है स्पीकर साहब ने इस गल का शायद बहाना ला देना कि 15 दिन नहीं है, मगर तुसी वेखो सैशन का पता ही कल लग गया ते 15 दिन तो मिल ही नहीं सकते जो 19 का सैशन है। इसलिए जो पंजाब के हालात बने हैं एक स्पैशल कंसिडरेशन करते हुए साढ़े इस बिल नू मेरे वालों जोड़ा बिल मूव किया गया उन्हू मंजूरी मिलनी चाहिए और रूल रिलैक्स करना चाहिए। जदों तो केंद्र सरकार वालों खेती आर्डीनेंस जारी किए गए ने तदों तो किसान यूनियनों वालों संघर्ष विड्डे हुए हैं, जिस तहत पिछले दिन किसानों ने एका दिखाउंदिया रेल ट्रकों नूं जाम किया, टोल प्लाजियां ते धरने लाए, इतों तक कि रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप ते माल नूं बंद करवाया। हुण किसान यूनियनों वालों भारतीय जनता पार्टी के आगुआं दीआं कोठियां दा घिराओ किया गया है। इस दे तहत रियासती शहर नाभा स्थित पटियाला जिला के देहाती प्रधान सुरिंदर गर्ग की कोठी के बाहर किसानों वालों धरना लाया होया है, जो तीजे दिन विच दाखिल हो गया। इस विच किसानों के नाल नाल औरतों ने वड्डी गिनती विच शमूलियत की। धरने विच शामिल औरतों ने कहा है कि धरना उदों तक जारी रहेगा जदों तक केंद्र की मोदी सरकार खेती कानूनों नूं वापस नहीं लै लैंदी। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह वालों 30 किसान जथेबंदियों के सदे से जलालाबाद तो फिरोजपुर रोड से माहमूह जोया पिंड के नज़दीक बने हुए टोल प्लाजा से धरना 14वें दिन भी जारी रहा। इस तो इलावा टोल प्लाजा का घिराओ करके आवाजाही बिल्कुल फ्री लंघन दी गई। धरने दौरान पंजाबी गायक कंवर गरेवाल और लखा सधाणा उचेचे तौर पर पहुंचे। इस मौके गायकों वालों किसानी के उत्ते गाने गा के सेध दी गई। किसानों के हक में उन्होंने केंद्र सरकार तो नवे खेती कानून वापस लैन लई अपील भी की। उधर हुशियारपुर विच भी किसान जथेबंदियों वालों केंद्र सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान किसानों उस समय भारी उत्साह मिले जो पंजाबी इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अदाकार जोगराज सिंह ने धरने विच विशेष तौर पर पहुंच के किसानों अपना समर्थन दिता। उन्होंने वालों बड़े ही जोरदार तरीके दे नाल केंद्र सरकार से धावा बोलिया गया। पत्रकारों के नाल गलबात दौरान योगराज सिंह ने कहा कि वह खुद भी किसानी परिवार के नाल संबंधित ने अते इस समय किसानों का दर्द भली भांत समझ सकते हैं। उन्होंने दसिया कि केंद्र वालों जो कानून लिया गया है वह पूरी तरह किसान विरोधी होने के नाल नाल मजदूर वर्ग और होरना व्यापारी वर्गों को भी प्रभावित करेगा। ये जिन्हें भी उतो सेंटर तो मंत्री आए हैं या इतने बीजेपी के लीडर ने
तुसी आओ गलबात करो ना, तुसी धरनिया ते आओ बोलो गलबात करो, पर जे थोड़ी कोई गल सुन ली तैयार नहीं ये तो मतलब उन्होंने रोस है, तुसी बुला के अपने ओपन डिस्कशन प्रेस के सामने करो, तुसी अपना मुद्दा रखो, तुसी उन्हां दी गल भी सुनो। देखो जे तो गल मुकाउणी है प्यार ना फिर तो मुक सकती है, पर जे तुसी गल ही नहीं मुकाउणी जो तुहाडे कोल कोई गया सी तुसी उन्हूं आदर वाया भी नहीं कीती। केंद्र सरकार वालों बनाए खेतीबाड़ी सुधार कानून के विरुद्ध पंजाब विच किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 20 दिनों तो किसान मजदूर आड़ती है आम लोग सड़कों से उतरे हुए ने अते इन्हां कानूनां नूं रद्द करन दी मंग कर रहे ने। केंद्र सरकार वालों जारी किए गए नवे खेती कानूनों के विरोध में कई थावां ते प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान संगरूर विखे किसानों वालों किए जा रहे रेल रोको अंदोलन दौरान एक किसान की मौत होने की खबर सामने आई है। दसिया जा रहा है कि संगरूर विखे एक 65 साल बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। किरती किसान यूनियन के आगू भुपिंदर सिंह लौंगोवाल ने दसिया कि रेल रोको अंदोलन में शामिल हो रहे किसान लाभ सिंह की रेलवे स्टेशन संगरूर से मौत हो गई। लाभ सिंह की मौत हुई है, यह रात को धरने पर बैठा सी, सरकार ना गलबात चलनी सी दिल्ली, जो इतने सूचना मिली भी सरकार ना गलबात टुट गई कोई लगी नहीं सिरे, पहला करजे का चिंतित थी तो ये सदमे उन्होंने हार्ट अटैक हो गया। तो असी सरकार तो मंग करते हैं परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा, जिन्ना उन्होंने जमें करजा है उसे लकीर मारी जाए तो एक जी नूं सरकारी नौकरी दी जाए। सेंटर की बीजेपी सरकार वालों किसान आर्डीनेंस बिल पास करने तो बाद किसानों और वख-वख विरोधी सियासी पार्टियों वालों लगातार विरोध किया जा रहा है। उधर बीजेपी सरकार के वर्करों वालों खेती कानूनों को किसान हितकारी दसिया जा रहा है, पर हलका गढ़शंकर के बीजेपी आगू हरविंदर सिंह बाठ वालों खेती कानूनों का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहना है कि नवे खेती कानूनों के नाल किसान बर्बाद हो जाएगा। इस संबंध में गढ़शंकर के हुशियारपुर बस स्टैंड से शहीद आजम सरदार भगत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वालों हरविंदर सिंह बाठ सूबाई बीजेपी आगू न किसानों के हक में शाह का नारा मारन के कारण विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। किसी समय तो मैं डिसीजन लिया सी, मैं बीजेपी ज्वाइन की सी, जिहड़ा कि मैं अजे भी अज भी भावें मैंबरशिप मेरे को हैगी है, मेरी अंदरों जिहड़ी विचारधारा जां जिहड़ा मेरा अंदरला मन आ वह मेरा मन दुखी है कि किसानों के जिहड़े ये अगेंस्ट बनाए गए ना ऑर्डीनेंस नहीं हुण तां एक्ट बन गए ने उन्होंने अगेंस्ट मैं जिहड़ा वह हाँ का नारा मारिया सी। जो कंट्रैक्ट फार्मिंग होएगी जा जिन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया हो या मंडियां तोड़न वाला एक्ट बनाया ये सारे का सारा किसान के अगेंस्ट है। इन्होंने किसान नू एक दो साल तीन साल हो सकता चंगे भा दे देन पर वो तो बाद किसान दा यो वो हल करनगे, पर आ जिहड़ी लड़ाई मैं ये जरूर कहूँगा किसानों की अज की जिहड़ी लड़ाई है ये आखिरी लड़ाई है। जे तो ये किसान जित गया मजदूर जित गया तो समझ लो पंजाब बच गया, जे अज असी ये लड़ाई हार गए तो ये लड़ाई आप मुड़ के नहीं लड़ जोगे रहेंगे। केंद्र सरकार दे अनलॉक 5 दे तहत पंजाब विच स्कूल खोलन नूं लै के फैसला आ गया है। इस फैसले दे मुताबिक सूबे दे स्कूलां विच 19 अक्तूबर नूं घंटी वजेगी। स्कूल सिक्ख्या महकमे वल्लों 19 अक्तूबर तों 9वीं अते 12वीं दे विद्यार्थियां लई स्कूल खोलन दा फैसला लै लिया गया है। स्कूल खोलन दौरान खास हदायतां वी जारी कीतियां गईआं ने। जिन्हां स्कूलां विच कोविड केयर सेंटर खोले गए सन अते जिन्हां स्कूलां विच विद्यार्थी होस्टलां विच रहिंदे ने उन्हां स्कूलां दी साफ सफाई अते सैनिटाइजेशन करवाउण दे हुकम जारी कीते गए ने। मापिआं दी लिखती सहमति दे नाल ही बच्चे स्कूल जा सकणगे। इस तों इलावा स्कूल दे सारे स्टाफ दे लई कोवा ऐप इंस्टाल करनी वी लाजमी होवेगी। चीन की टिप्पणी का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत का अटुट अंग ने, भारत के अंदरूनी मामले में चीन को दखलअंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने चीन की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग ने, भारत के अंदरूनी मामले में चीन को टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। श्रीवास्तव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भी भारत का एक अभिन्न अंग है। इस तथ्य को कई पद्धरों से चीनी पक्ष में भी स्पष्ट रूप नाल जाहिर किया गया है जिस विच सर्वोच्च पद्धर भी शामिल है। पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा से हुए हमले का मामला गरमा गया है। इस लैके बीजेपी कारकुना ने अमृतसर में पंजाब सरकार का पुतला फूक के रोस प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि हमला कांग्रसिया ने करवाया तो इन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है।
ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। अपने जन्मदिन के मौके पर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होने पहुंचे श्रोमणी कमेटी मैंबर बीबी जगीर कौर ने श्रोमणी कमेटी दी चोणां करवाउण बाबत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि श्रोमणी कमेटी दी चोणां विच देरी होने का वड्डा कारण केंद्र सरकार है। उन्होंने कहा है कि 1925 के एक्ट अनुसार हर 5 साल बाद चोणां करवाउणियां लाजमी ने। हुण जेकर केंद्र सरकार वल्लों चोणां बारे आदेश जारी किए गए हैं तो उस दा स्वागत करदे ने। कोलकाता विच बलविंदर सिंह नामक सिख नौजवान की पुलिस वालों दस्तार की की गई बेअदबी के मामले ने तूल फड़ लिया है। श्रोमणी अकाली दल के आगुआ ने पश्चिमी बंगाल में हुए इस वाके से अफसोस जाहिर किया है। कुरुक्षेत्र में पत्रकारों के नाल गलबात करदिया कमलजीत सिंह अजराणा ने कहा है कि बलविंदर सिंह ते ही परचा दर्ज करना मंदभागा है। कमलजीत सिंह अजराणा ने कहा है कि इन सारिया घटनावां नूं मुख रखते हुए गुरद्वारा बैकुंठ सामने सर्किट हाउस 16 अक्तूबर दिन शुक्रवार को सवेरे 11 बजे एक इकट्ठ रखा गया है, जिस विच अपने रोस नूं प्रगट करते हुए एक मंग पत्र डीसी साहब नूं दिता जाएगा। पश्चिमी बंगाल दे विच एक बहुत ही मदभागी घटना हुई है। साढ़े साबका फौजी भाई बलविंदर सिंह जी दे नाल उत्थे उत्थों दी पुलिस ने केसां नाल फड़ के पगड़ी की बेअदबी की केसां की बेअदबी की उन्हां दे उत्ते ही बहुत ही संगीन 307 उम्र कैद वर्गियां संगीन धाराएं ला के एक मामला उन्हां दे उत्ते दर्ज करके उन्हां नूं जेल दे विच पा दिता गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। तो सारी दुनिया के वसदा सिख इसकी निंदा करता है, विरोध करता है। तो असी अपील करते हैं पश्चिमी बंगाल की सरकार नू, ममता बनर्जी जी नू, कि ये जिहड़ी धक्का उत्थे उन्होंने पुलिस ने प्रशासन ने किया तुरंत वो संज्ञान लैन इहदा। तो ये जिहड़ी धारावां लाइया ने जो परचा दर्ज किया उन्हूं खत्म करके उन्होंने जेल के विचों रिहा किया जाए। ये रोस स्वरूप असी कल गुरद्वारा बैकुंठ धाम के सारी सिख जथेबंदियां रल के एक इतों डीसी साहब नूं असीं मंग पत्र देने वास्ते जावांगे, जिहदे विच अपील करांगे भारत के राष्ट्रपति नूं, उत्थों दे राज्यपाल नूं अते पश्चिमी बंगाल की सरकार नूं कि उन्हां दे जिहड़े परचे ने उह रद्द किए जाण ते उन्हां नूं जल्द तो जल्द रिहा किया जाए। अगर वो इस चीज़ साडी बेनती नूं नहीं मानते तो इहदा खमियाजा भी सरकार नूं भुगतना पएगा। सारी दुनिया के सिख जगत सड़कां दे उत्ते आ के अपने हक की लड़ाई लैके इंसाफ लैण दा काम करेगा। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।